2024 में जब राम मंदिर तैयार होगा सभी रूड़की से 50 वर्ष करके अयोध्या जाएंगे और मंदिर का उद्घाटन वहाँ पर करेंगे। रुड़की के आदर्श नगर में देवभूमि आदर्श सोसाइटी द्वारा किया गया डिजिटल रामलीला का शुभारम्भ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे महापौर रुड़की श्री गौरव गोयल एवं नगर विधायक श्री प्रदीप बत्रा। गौरव गोयल जी ने दी सभी आदर्श नगर वासियों को शुभकामनाएं। नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी के द्वारा किया गया आदर्श नगर वासियों को संबोधित। कहा 2024 में जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो रुड़की नगर से 50 बस लेकर जाएंगे अयोध्या, जिसमें नगर के सभी श्रद्धालुओं को लेकर जाया जाएगा। समर्थ भारत से मुनीश शर्मा, अनूप सैनी की रिपोर्ट। आदर्श नगर में चौथा रामलीला जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं सभी कमेटी को धन्यवाद देता हूं। और नमस्कार मित्रों, समर्थवाद न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम खड़े हैं आदर्श नगर के सेलिब्रेशन ग्राउंड में। यहां पर एक डिजिटल रामलीला का जो है भव्य आयोजन हुआ है आज आदर्श सोसाइटी आदर्श नगर द्वारा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महापौर श्री गौरव गोयल जी उपस्थित हैं। आइए गौरव गोयल जी से जानकारी लेंगे क्या प्रोग्राम था। गोयल जी नमस्कार सर, क्या प्रोग्राम था? और अभी हमारे बीच में हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी भी आ गए हैं। अभी हम मेयर साहब से जानकारी लेते हैं, फिर विधायक जी से जानकारी लेते हैं। क्या प्रोग्राम था सर? देवभूमि आदर्श सोसाइटी द्वारा लगातार इस वर्ष चौथे वर्ष यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया और निश्चित रूप से भगवान श्री राम का प्रभु का स्मरण कर अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रुड़की में अनेकों स्थान पर रामायण और रामलीला चल रही है। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आने वाले समय में उनका प्रचार प्रसार और भगवान राम के जीवन से यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सीख करके जाए, ऐसी भावना। धन्यवाद सर। तो इसी क्रम में जो है माननीय विधायक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी। सर नमस्कार। ये जो अभी राम डिजिटल रामलीला का उद्घाटन किया है आदर्श सोसाइटी द्वारा, इन लोगों को, इन बच्चों को आप क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे सर? आदर्श सोसाइटी देवभूमि आदर्श सोसाइटी द्वारा आज ये रामलीला का उद्घाटन और मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं बधाई दूंगा सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को और अपने पार्षद सचिन भाई को और यहाँ हमारे साथ रवि जोशी जी हैं, राजकुमार जी हैं, गुप्ता जी हैं, सभी पार्षद यहाँ मौजूद हैं। और ये बहुत अच्छा है कि इस बार रामलीला हो रही है और सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अपने संस्कार और संस्कृति के बारे में जानेंगे और ये मंचन होने चाहिए। इससे हमारे आदर्श और हमारे जो परिवार है उनको संस्कृति मिलती है और जो हमारे द्वापर युग त्रेता युग में वो आज भी वही परिवार है। आज भी भाई भाई का प्रेम, माँ बाप का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, यही हमें रामलीला सिखाती है। और भगवान राम के चरित्र के बारे में हमें पता लगता है कि वो क्यों विजयी हुए रावण पर, ये सभी चीजें पता लगती है। तो इसके लिए रामलीला का होना अति आवश्यक है। सर दो तीन दिन से लगातार देख रहे हैं कि किसी न किसी रामलीला के उद्घाटन में आप जा रहे हैं, एक माहौल बन रहा है रुड़की के अंदर, कैसी अनुभूति हो रही है? देखिए रामलीला और भी ज्यादा होनी चाहिए, जगह जगह होनी चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले होनी चाहिए कि भगवान राम का संदेश सब जगह जाना चाहिए कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे अस्तित्व हैं और भगवान राम के बिना हम कुछ नहीं है। भगवान राम जो थे, हमारे आराध्य थे, उनके पक्षों पर हमें चलना चाहिए और रामलीला में सोचता हूँ कि हर घर घर में होनी चाहिए और ये महत्व बन रहा है और सभी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और देखिए इतना बड़ा काम जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं, वो इतना बड़ा काम अयोध्या में हो रहा है कि मैं आज यहाँ पे लोगों सबसे कहूँ कि आज सब लोग संकल्प 2024 में जब राम मंदिर तैयार होगा सभी रुड़की से 50 वर्ष भर के अयोध्या जाएंगे और मंदिर का उद्घाटन वहाँ पर करेंगे। मैं तो संकल्प आज ले रहा हूँ कि रुड़की से 50 वर्ष करके जाऊँगा और सब लोग मेरे साथ चलेंगे और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो होगा तो उसका उद्घाटन में हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद।